मैं सबसे पहले केंद्र सरकार का और EESL का महाराष्ट्र जनता की ओर से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। EESL की ओर से जिस प्रकार से LED लाइट के बल्ब के थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, बहुत बड़ा स्टेट को फ़ायदा है। और EMI स्कीम में जो लॉन्च हुआ है उससे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमने आज भी डिमांड किए इस कॉन्फ्रेंस में कि 100 यूनिट के लिए 4 बल्ब, 200 यूनिट के लिए 8 बल्ब, ऐसा करके उसके 20 बल्ब तक देना चाहिए EMI स्कीम। और हमारा स्टेट पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है, आखिरी घर तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरे स्ट्रीट लाइट भी इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया, लोकल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एरिया, वहाँ पर भी हम स्ट्रीट लाइट का भी LED का जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र स्टेट देश में सबसे सामने रहेगा और इस माध्यम के इस बहुत बड़े आइडिया और जो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए किए है, मैं फिर एक बार इस प्रोग्राम को लेकर हम महाराष्ट्र स्टेट पूरी तरह से काम करेगा। साथ साथ में अभी अभी जो एनर्जी कंजर्वेशन पंप किसानों के लिए एग्रीकल्चर पंप वो भी लॉन्च किए जा रहे हैं, वो भी एक अच्छा फायदा देश को होगा और स्टेट को होगा। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र की जनता की ओर से EESL और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ।